हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने ख़त्म किया था PCAOB एंड नफरा, और हमने उस क्लास में ही उसको पूरा का पूरा दोबारा रिवाइज भी कर लिया था। तो आज हम अपना ऑडिट का लास्ट चैप्टर चैप्टर तो नहीं बोलूँगा, सिर्फ एक टॉपिक, मिसलेनियस टॉपिक हम एक करेंगे और ऑडिट को आज पूरी तरह ख़त्म कर देंगे। ऑल द ऑडिट ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी, इट जस्ट एक दो टॉपिक ऐसे थे जो मैंने उठाए हैं कहीं से देख देख के, बिकॉज इसका क्वेश्चन ये भी आपकी बुक में नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल DU की बुक में नहीं है और टैक्स मैन की बुक में भी नहीं है ये, बट इसका क्वेश्चन आ सकता है। आपके कोर्स में था ये पहले, बट इस पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं पहले एक दो बार, तो इसको हम कर लेते हैं। टॉपिक सिंपल है, बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा मुझे कि कर लेना चाहिए, अदरवाइज पेपर में आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए। टॉपिक बहुत इजी है, EDP एनवायरनमेंट या फिर CIS फॉर ऑडिट। EDP एनवायरनमेंट मतलब सर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। कहाँ पे लिख दूँ मैं, यहाँ लिख दूँ? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, दिख रहा है आपको? थोड़ा सा और इसको कर देता हूँ मैं। CIS को क्या बोलते हैं? ज़्यादा हो गया। कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है दोस्त, देखो पहले क्या होता था पुराने ज़माने में, जो किताबें हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो लेजर्स हैं, वो रजिस्टर में बनते थे, फिजिकली बनते थे। ठीक है, बट अब ऐसा नहीं होता, अब सारी चीज़ें लगभग लगभग कंप्यूटर में बनती हैं। हाँ, किसी किसी जगह पे जैसे कुछ ट्रस्ट होती हैं पुराने, आपको कुछ कोऑपरेटिव बैंक मिल जाएंगे, कुछ पुराने ज़माने की चीज़ चल रही है जहाँ पे, कुछ मंदिर मिल जाएंगे आपको, उनके किताबें, कुछ पुरानी ट्रस्ट हो जाएंगी उनकी किताबें। अभी भी अगर आपको पता हो तो वो बड़ा सा रजिस्टर आता है ना, लेजर, उसको लेजर बोलते हैं। फिल्मों में देखा होगा आपने, वो लाल कलर का होता है ना, वो ऐसा खुलता है, पूरा लेजर होता है जिसमें डेबिट क्रेडिट वो सब लिखते हैं आप, लेजर किससे आया किससे क्या गया, इसका लेजर यहाँ इसका लेजर यहाँ। ठीक है, तो पहले ऐसे बनते थे किताबें। ठीक है, फिर धीरे धीरे कुछ चीज़ें कंप्यूटर में बनने लग गई, बिल वगैरह तो आते हैं, कुछ चीज़ें हाथ से, कुछ चीज़ें कंप्यूटर से, कुछ चीज़ें हाथ से, कुछ चीज़ें कंप्यूटर से। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक था। अब ऐसा हो गया है ना कि हाथ से तो चीज़ें रही नहीं गई हैं, सब कुछ कंप्यूटर से होता है, ऑनलाइन होता है। सर कैसे होता है? आपने सेल किया, सेल करके इनवॉइस किया, इनवॉइस करने के बाद आपका इन्वॉइस सीधा का सीधा सेल रजिस्टर में रजिस्टर्ड हो गया और सीधा P&L में हिट कर गया, ऑटोमेटिकली सब कुछ एक ही बार में हो गया। आजकल क्या है, इन्वॉइस भी ऑनलाइन बन जाता है, ऐसा नहीं है इन्वॉइस के लिए आप अलग से सॉफ्टवेयर लो, उसी सॉफ्टवेयर में आपका इन्वॉइस भी बन जाएगा, उस टैली से भी इन्वॉइस बन जाता है, और टैली से इन्वॉइस बनने के साथ साथ वो सीधा एंट्री भी पोस्ट हो जाती है। जिन बच्चों को आता है, जिन बच्चों को नहीं आता बता रहा हूँ। ठीक है, होता क्या है, एक ही बार में यानी आपने सिर्फ और सिर्फ बिल की एंड बिल बनाया, इसी इवन बिल भी अपने सॉफ्टवेयर में बनाया, उस बिल के एंड तक आपकी एंट्री अपने आप हो गई, बैलेंस शीट तक वो हिट कर गया। ठीक है, अब इसमें सर एक दिक्कत आती है। सर क्या दिक्कत आती है? ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल एक वर्ड आएगा आपके, मतलब इसमें नहीं दे रखा है लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, समझना, समझ लो। एक होता है ऑडिट ट्रेल,
कॉन्सेप्ट होता है ऑडिट ट्रेल। सर ये क्या होता है बता रहा हूँ, अब ऑडिट ट्रेल में दोस्तों, ऑडिट ट्रेल का मतलब ये है कि जब हम इनिशियल इनपुट को लास्ट आउटपुट से एक एक स्टेप देख पाए। सर क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा। देखो मान लो हमने परचेस किया, ठीक है, परचेस किया, परचेस करने के बाद इसको इसके बिल की एंट्री की, जर्नल बुक किया, जर्नल से वो रिफ्लेक्ट हो गया लेजर में, ठीक है, हमने बना दिया क्या ट्रायल बैलेंस, ठीक है, इससे हिट हुआ किस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फिर बैलेंस शीट में, या फिर क्या दोनों ही जगह अगर एंट्री आनी है तो दोनों जगह आ जाता है। ठीक है, अब इससे क्या है, मान लो हमें यहां पे डाउट आ रहा है कि एक ऐसा बिल था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मान लो, मैं अभी पूरा नहीं बता रहा, एक मोटा मोटा तरीके समझा रहा हूं बस आपको, कि जितने भी स्टेप्स हैं यहां पे, मान लो हमें एक बिल पकड़ा गया, मतलब हमारा ना कुछ पीएनडल मैच नहीं हो रहा, कुछ गड़बड़ लग रही है हमें पीएनडल में, मान लो हम ऑडिट कर रहे हैं, अब पीएनडल में एक ऐसा बिल पकड़ा गया जिसमें ना कुछ हमें डाउट लगा कि इसका ना अमाउंट 5,000 नहीं था, 50,000 था फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो मुझे मिला कहाँ पे, पीएनडल में, पीएनडल में मुझे कुछ ऐसा लगा कुछ 50,000 की कुछ गड़बड़ है, तो मैं क्या करूंगा, मैं वापस जाऊंगा ट्रायल बैलेंस देखूंगा, वहां पे कुछ, वहां पे मान लो मुझे मिल गया कि डेटर में इश्यू है, मैं सर परचेज का एग्जाम्पल लेगा, क्रेडिटर ले लेते हैं, नहीं तो फिर लोग बोलेंगे सर आपको ये भी नहीं आता, ठीक है, मान लो क्रेडिटर में हमें मिल गया ट्रायल बैलेंस से कुछ लगा कि क्रेडिटर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, अब क्रेडिटर से क्या, हमने मान लो उस, अब हमने लेजर्स देखे, लेजर देखा हमने, ए बी सी डी चार क्रेडिटर हमारे पास था, तो हमने सबके लेजर देखे, तो हमें पता चला कि ए ए के लेजर में दिक्कत है, हमने जर्नल एंट्री देखी, जर्नल एंट्री देखी कि हाँ भाई परचेस टू ए हो ही रखा है, ठीक है, अब ए में भी चार एंट्रियां थी, फिर हमने वो चारों के ना बिल देख लिए, अब बिल पे हमें पता चला कि हाँ भाई परचेस का ना बिल नंबर 708, इसमें 5,000 की जगह 50,000 दिखा दिया गया है, तो ये क्या हुई, एक पूरी की पूरी ट्रेल को हम पकड़ पा रहे हैं, इनिशियल इनपुट को लास्ट आउटपुट से ढूंढ पा रहे हैं, मैच कर पा रहे हैं। पहले ये होता था सिस्टम, बिल आया, बिल की फिर हमने एंट्री कर दी, ट्रायल बैलेंस में डाल दिया, उसका लेजर बन गया, उसका बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हो गया, पिंडल में रिफ्लेक्ट हो गया, उससे हमारा प्रॉफिट आ गया, टैक्स के बन गया, टैक्स भर दिया हमने, तो हम एक चीज को पूरे प्रोसेस से ट्रेल कर पाते थे, ठीक है, लेकिन सीआईएस एनवायरनमेंट में यानी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या हुआ, इस चीज की हो गई गड़बड़। सर कैसे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे भी तो पहले बिल आता है, फिर हम कंप्यूटर में एंट्री करते हैं, उसके बाद फिर वो लेजर पोस्टिंग हो जाती है, उसके बाद सर वो बैलेंस शीट में तब जाके दिखता है, अगर हमें कंप्यूटर में भी दिक्कत होगी तो हम वहाँ भी देख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है सर, लेकिन आप थोड़ी और बड़ी कंपनियों में जाओगे ना दोस्त, तो वहाँ पे लाखों एंट्री आओगी, लाखों बिल होंगे, ठीक है, मान लो गूगल का, आप गूगल का सोचो, गूगल के एक दिन में कितने एंट्री होती होती होंगी, कितने कितनी चीज़ें करता होगा वो, कितनी सर्विस देता होगा, कितने बिल कटते होंगे, और वो सीधा सब कुछ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, प्रोक्योरमेंट टीम वहां पे बिल काटती है, प्रोक्योरमेंट टीम मैंने बताया था जो परचेज टीम है, एक तरह से प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है परचेज करना, उसके पूरे के प्रोसेस को हम एक तरह से प्रोक्योरमेंट बोल देते हैं, प्रोक्योरमेंट टीम यानी प्रोक्योरमेंट वाला डिपार्टमेंट। तो हुआ क्या, आपने चीज खरीदी, सीधा बिल से ना एंट्री हिट कर गए, सीधा पीएनडल में आ गया, अब कई जगह कई बार ऐसा होता है, इसकी वजह से आप एक एक स्टेप नहीं देख पाते हो, पोस्टिंग कैसे हुई है कैसे नहीं हुई आप नहीं देख पाते हो, कई बार ये होता है कि जर्नल
एंट्री मारने की जो अथॉरिटी है वो किसी और के पास होती है। ठीक है, और प्रॉफिट बैलेंस शीट देखने की अथॉरिटी किसी और के पास होती है, ये भी दिक्कत आती है। तो ऑडिट ट्रेल वो होता है कि हम इनिशियल इनपुट को लास्ट के आउटपुट से मैच कर पाएं स्टेप बाय स्टेप, उसे बोलते हैं ऑडिट ट्रेल का होना। लेकिन ऑडिट ट्रेल मिसिंग होता है कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में, यानी जब हम अकाउंटिंग या सारी किताबें कंप्यूटराइज कर रहे हैं, सारे बिल कंप्यूटर बन रहे हैं, सब कुछ कंप्यूटर पर हो रहा है, इंटरनेट पर हो रहा है, उस टाइम ऑडिट ट्रेल का होना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, ऑडिटर का ऑडिट करने में भी मुश्किल होती है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या आया, ईडीपी एनवायरनमेंट, या बोलो सीआईएस फॉर ऑडिट। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझना, ये जो डेफिनेशन है, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि ईडीपी क्या होता है तो भी यही लिखना है, ईडीपी का ऑडिट क्या होता है तो भी यही लिखना है। सेंटेंस की फ्रेमिंग ऐसी है, ये शायद पता नहीं मैंने कहाँ से उठाया है, 10 ईयर से उठाया शायद। सेंटेंस की फ्रेमिंग बहुत अच्छी है इसकी, इसमें आप अगर ये क्वेश्चन आ जाए ऑडिट फॉर ईडीपी एनवायरनमेंट तब भी ये लिखना है, ये आ जाए ईडीपी एनवायरनमेंट क्या होता है या फिर सीआईएस सीआईएस क्या होता है तब भी आपको यही लिखना है। ध्यान रखना, छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो चाहे ईडीपी एनवायरनमेंट का क्वेश्चन आ जाए, चाहे ईडीपी ऑडिट क्वेश्चन आ जाए, तो यही लिखना है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि हम ऐसे सिचुएशन में जहां पे सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है आज के जमाने में, उस टाइम हम ऑडिट कैसे करेंगे, क्या क्या करना चाहिए। तो बहुत जनरल डिस्कशन है, बहुत घुस के नहीं समझा रखा, वो अब हम पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए, ईडीपी इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इवेल्युएटिंग एविडेंस टू डिटरमाइन वेदर द कंप्यूटर सिस्टम सेफगार्ड्स असेट्स, मेंटेन डेटा इंटेग्रिटी, अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल इफेक्टिवली एंड कंज्यूम रिसोर्स एफिशिएंटली। ठीक है, करता हम ऑडिट ही रहे यहाँ पे, लेकिन बस थोड़ी सी लैंग्वेज का चेंज आ जाएगा आपका। देखो, ऑडिट में हमने ये पढ़ा था कलेक्टिंग एंड इवेल्युएटिंग, कलेक्टिंग एविडेंस तो था ही वहाँ पे, एविडेंस इवेल्युएट कर रहे हैं कि कंप्यूटर सिस्टम जो हमारा है, जो सिस्टम हमारा है वो एसेट को सेफगार्ड कर रहा है, डेटा की इंटेग्रिटी मेंटेन कर रहा है, यानी डेटा भरोसेमंद है या नहीं है, पक्का पक्का पता चल रहा है हमें चल रहा, और इन सब की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के गोल मैच हो पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, अगला सेंटेंस, द ईडीपी अकाउंटिंग सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ कैपेबिलिटी एंड फिजिकल फॉर्म। प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी थी, फिजिकल फॉर्म यहां से काट दो आप, डेफिनेशन बहुत आगे जा रही थी जबरदस्ती की, आपको यहां तक रखना है। तो ईडीपी अकाउंटिंग सिस्टम में क्या देखना है कि भाई उसकी जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है, यानी एक डेटा एक जगह से बन के, एक जगह से एंटर होके, यानी बिल एक जगह से बन के प्रोसेस होके दूसरी जगह पी एंड एल में, बैलेंस शीट में, लेजर में कैसे कैसे प्रोसेस होता है, ये सब चीज़ें हमें चेक करनी है कि भाई सिस्टम सही से है कि नहीं। दो बंदे हैं, एक एक का काम है बिल इशू करना और एक का काम है दोस्त बिल को ऑथराइज करना। ठीक है, बिल 10 लाख का बिल है, परचेज है, परचेज ऐसा थोड़ी ना कि मेरा छोटा सा छोटा एम्प्लॉय परचेज कर देगा करोड़ों की, ऐसा तो नहीं होता। उसका काम है बिल बनाना। जैसे आपने सुना होगा या देखा भी होगा कि दफ्तरों में एम्प्लॉय लगे होते हैं, कुछ बड़ी रैंक में होते हैं, कुछ छोटे रैंक में भी होते हैं, बड़े लेवल पर, छोटे लेवल पर, उससे छोटे लेवल पर। तो छोटे लेवल काम सारा वही करता है, लेकिन डिसीजन कौन लेता है, ऊपर वाला लेता है। ठीक है, तो ये भी देखना है कि इंटेग्रिटी, भरोसा, सब कुछ मेंटेन हो रहा है, चीज़ें सही से चल रही हैं, कंप्यूटर जो सिस्टम आपने लगा रखा है वो सिस्टम सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये तो नहीं है कि बिल कोई देखने, मान लो सेल्स की एंट्री मिस्टर ए नहीं देख सकता, ऐसा तो नहीं है कि आपने कंप्यूटर सिस्टम में ये वाले कंट्रोल लगाए ही ना और सेल्स को क्या वो पूरी की पूरी बैलेंस शीट देख रहा है। तो ये सब चीज़ें भी चेक करनी होती है कि सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम आपकी अकाउंटिंग का, बुक मेंटेनेंस का सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है दोस्त, इसी को बोलते हैं सी आई एस एनवायरमेंट या फिर ऑडिट फॉर ऑडिट इन सी आई एस एनवायरमेंट। चलिए फीचर देख लेते हैं भाई। अब फीचर क्या है, किस किस फीचर हैं, ये ई आई एस के फीचर हैं, ये ऑडिट फॉर ई आई एस के फीचर नहीं है, सॉरी ई आई एस कह रहा हूँ, ई आई एस भी बोल सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम या फिर कंप्यूटराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, एक ही बात है।
पता नहीं यार, नेक्स्ट कोर्स आपका जो चेंज होगा अगले सेशन में, क्या पता इसकी जगह यह नाम रख दें। बात एक ही है, कहीं आप सोचो कि सर ने क्या बोल दिया। ठीक है, यानी ऑफिसेस में यानी अकाउंटिंग जो होती है, जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होती है, उसके क्या क्या फीचर है, फायदा क्या होता है? देखो कंप्यूटर से काम करने का क्या फायदा होता है, वो चीज़ें हैं यहाँ पे, मतलब क्या क्या फीचर हैं कंप्यूटर से काम करने के। फास्ट हो जाता है ऑपरेशन, फास्ट होते हैं सारी चीज़, एंट्री, एक ही एंट्री मारे बिल की, सब हर जगह आ गई। अब ये नहीं उसका लेजर बनेगा, फिर लेजर चेक करने के बाद उसका कुछ और बनेगा, फिर वो चेक करने के बाद बैलेंस शीट में जाएगा, ऐसा नहीं है। एक बार बिल की एंट्री हर जगह रिफ्लेक्ट कर गया, फास्ट हो गया काम, एक्यूरेसी हो गई। अब मान लो पहले लेजर बन, पहले बन, पहले जनरल बनते थे, उसके बाद वो जाता था मान लो या ट्रायल बैलेंस बनाते थे। मान लीजिए लेजर जनरल एंट्री मारी है 5,000 से, ट्रायल एरर ट्रायल या फिर पीएनडल बनाने की बारी आई, मान लीजिए पीएनडल अलग से बनता था, तो पीएनडल बनाते टाइम क्या करा, 5,000 को 50,000 कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपने जनरल एंट्री जो मारी वही पीएनडल में अपने आप आ जाएगी, 5,000 की मारी तो 5,000 की आ जाएगी, तो गलती है को चांसेस कम हो जाएंगे, यानी गलतियां खत्म हो जाएंगी, एक्यूरेसी रहेगी काम में, क्योंकि हर एक चीज से पूरा काम हो जा रहा है। ठीक है, एबिलिटी टू प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम। अब भाई कंप्यूटर से 10 आदमियों का काम एक ही बार में हो जाता है ना, ठीक है, एक बंदा एक एक बिल इशू करेगा, मान लीजिए छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, एक बंदा 10 बिल इशू करेगा, कैसे करेगा, बिल बुक खुलेगा, आपने देखा होगा ना जैसे अभी ट्रांसपोर्ट वगैरह या कुछ फैक्ट्री वगैरह के इलाके में भी अभी भी वो बिल बुक यूज़ होती है, वो बिल इशू करेगा, नाम लिखेगा, ये लिखेगा, वो लिखेगा, साइन करेगा, ये एक बिल, फिर एक लिखेगा, कुछ करेगा एक बिल। अब कंप्यूटर वाला बंदा क्या करेगा, कंप्यूटर लिया, सिर्फ नाम चेंज किया, अमाउंट अमाउंट डाला, कट 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 कट, एक बिल, कट 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 कट, कट 2 बिल, अब नाम डाला, अमाउंट डाला, 3 बिल, 4 बिल, तो काम क्या होगा, फास्ट, ठीक है, और लार्ज वॉल्यूम में भी काम हो जाएगा। इंटीग्रेशन बिटवीन बिजनेसेस ऑपरेशन, सर ये क्या पॉइंट बोल दिया, जैसे बिजनेस में अलग अलग चीज़ें होती हैं, फिक्स एक प्रोसेस नहीं होता, प्रोसेस अलग अलग प्रोसेस होते हैं ना, हमने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल लेते ना जूते का, जूते का मान लो पहले रॉ मटेरियल आता है, उसमें फिर आप कपड़े को सिल, जो जूते का ऊपर का हिस्सा होता है वो कपड़ा होता है, उसको सिलाई करते हो आप, स्टिचिंग करते हो, मतलब आप नहीं करते, बिजनेस में करता है, ये सारे प्रोसेस है ना अलग अलग, रॉ मटेरियल का प्रोसेस अलग है, स्टिचिंग का प्रोसेस अलग है, फिर पेस्टिंग, ठीक है, फिर इसके फीते लेसेस लगते हैं, फिर इसकी पैकिंग होती है, ठीक है, इतने सारे चीज़ें होती है ना, तो सारे प्रोसेसेस को ऑपरेशंस को इंटीग्रेट कर देता है, यानी एक दूसरे से जोड़ देता है ये। आपके कंप्यूटर में पता होगा कि कितना माल गया है रॉ मटेरियल में पड़ा हुआ है, और कितना माल आगे चला गया सिलाई के लिए, और फिर कितना माल आगे चला गया पेस्टिंग के लिए, फिर कितना लेसेस के लिए, फिर कितना पैकेजिंग के लिए, यानी सिस्टम्स को कंप्यूटर, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, ऐसा मत समझना कि यही वाली चीज़ आएगी, तो समझाने के लिए। ऑफिसेस में क्या होता है, ऑफिसेस में एक फाइल जब दूसरे के पास जाती है तो कितना ईजी रहता है ना, एक ने अपना काम कर दिया, उसने बोल दिया कि हाँ भाई मेरा काम हो गया, अब तो इस फाइल पे आगे काम कर ले, मैंने लेजर बना दिया, अब इसकी पोस्टिंग कर दो, तो एक बार चेक कर ले, तो कितनी जल्दी काम हो गया ना, जो इंटीग्रेशन है वो कितना ईजी हो गया। नहीं तो क्या होता, वो सारी फाइल उठा के ले जाता एक बंदा, ये लो सर, तो दूसरा बंदा सारी फाइल उठाता, वो एक एक फाइल खोल के एंट्री देखता, फिर वो अपने अपने बुक्स में एंट्री करता, मतलब बिल को, फिर वो पोस्टिंग करता, फिर वहाँ से फाइल जाती आगे, ठीक है, अलग अलग काम हो रहा है, यहाँ पे इंटीग्रेट हो गया एक ही बार में सारा, एक दूसरे से लिंक हो गया। बेटर सिक्योरिटी रहती है भाई, कंप्यूटर में सिक्योरिटी थोड़ी बेटर हो जाती है, अगर आपने सब कुछ सही कराया, सारे पासवर्ड वासवर्ड लगाए हैं, सबको सबकी ऑथराइजेशन दी है, ये बंदा ये काम कर सकता है, ये बंदा ये चीज़ देख सकता है अपने कंप्यूटर में। बड़ी बड़ी कंपनी में क्या होता है, हर एक टीम के ना क्या बोलते हैं, ऑथराइजेशन दी होती है, ठीक है, जैसे मान लो मैं सेल्स का बंदा हूँ तो मेरे पास परचेज की ऑथराइजेशन नहीं होगी, मैं परचेज, मेरे पास कंप्यूटर तो होगा, सॉफ्टवेयर भी होगा अकाउंटिंग का पूरा, लेकिन मैं उस अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर में भी ना परचेज में क्लिक करूंगा तो मेरे को खुलेगा नहीं वो, ठीक है, तो कंट्रोल्स थोड़े बड़े हो जाते हैं रादर देन मैनुअल सिस्टम से। लेस प्रोन टू ह्यूमन एरर, जैसे जितना ह्यूमन एज एरर कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं, उतनी गलतियां कंप्यूटर तो करेगा नहीं। प्रोवाइड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, अब जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको वो लेटेस्ट ही मिलेगी, ऐसा तो नहीं है कोई पुरानी, वो ढूंढने में 1 घंटा लग गया, 2 घंटा मिल गया, लग गया।
सब कुछ आपको ऑन द स्पॉट एक क्लिक मारोगे कि हाँ भाई मिस्टर ए की सेल्स कितनी है, यूँ आ जाएगा। कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग कैपेबिलिटी, वही मैंने बोला जो पहले भी, लगभग वही चीज़ है ये। चलो बता ही देता हूँ नेटवर्क कैपेबिलिटी क्या होता है। एक ऑफिस में मान लो 10 कंप्यूटर है, 10 कंप्यूटर पे काम हो रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंट है जैसे भी है, तो क्या 10 की जगह 20 आ सकते हैं? आराम से आ सकते हैं। 10 लगे हैं लोग, काम बढ़ गया, और एम्प्लॉय ले आए, 10 की जगह 20 कंप्यूटर लगा दिए। क्या करना है? चीज़ों को कनेक्ट ही तो करना, और सॉफ्टवेयर से सबको अपनी अपनी ऑथराइजेशन देनी है। बस ईजी हो गया ना कनेक्टिविटी, कितना ईजी हो गया। नहीं तो अगर मान लो ये काम मैनुअली होता, हाथ से होता हर एक काम, वो पहले तो उस बंदे को हायर करना मुश्किल होता, फिर उसको समझाता, एक एक चीज़ समझानी पड़ती नए बंदे को, रजिस्टर दिखाना पड़ता, देखो इस रजिस्टर में ऐसा काम होता है, ऐसा काम होता है। यहाँ पे कितना ईजी है, एक बार में 10 की जगह 20 20 कंप्यूटर लगा दो, एक दूसरे को नेटवर्किंग में कनेक्ट कर दो, बस काम हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं मेन आपके स्टार्टिंग के, चार हैं, चार पाँच, ये भी ध्यान रखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईडीपी कंट्रोल। कंट्रोल क्या, हमने एक पढ़ा था ना इंटरनल कंट्रोल, यानी जब मैनेजमेंट अपने बिजनेस के प्रोसेस पे कंट्रोल लगाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है कि तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, ठीक है, या फिर तेरा काम है सिर्फ ये करना, अगर तूने ये कर दिया तो ये हो जाएगा, ये सारे जो कंट्रोल लगते हैं ना, हमने एग्जाम्पल लिया था ना पंचिंग मशीन का, अटेंडेंस का एग्जाम्पल लिया था। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ईडीपी के अंदर मान लो सारे काम कंप्यूटराइज होते हैं, तो कंट्रोल कौन कौन से लगाओगे आप अपनी कंपनी में? कंट्रोल यानी रूल्स एंड रेगुलेशन कौन कौन से लगाओगे? तो दो तरीके के मेजर बता रखे हैं, हेडिंग, दो दो हेडिंग बता रखे हैं, एक तो जनरल ईडीपी कंट्रोल, एक है ईडीपी एप्लीकेशन कंट्रोल। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि है क्या ये, उसके बाद इसके अंदर जाएंगे। जनरल ईडीपी कंट्रोल मतलब ऑफिस है, 20 कंप्यूटर, 20 एम्प्लॉई हैं, 20 के पास अपना अपना कंप्यूटर है, तो जनरली क्या क्या कंट्रोल करोगे, जनरली क्या क्या सोचोगे? अच्छा सोचो, एक बार दिमाग से सोचो। अच्छा इसका कंप्यूटर वो ना देख पाए, उसका कंप्यूटर ये ना देख पाए, तो आप क्या करोगे, सबका अपना अपना पासवर्ड लगा दो। ठीक है, आप अपने लैपटॉप से सबको ऑथराइजेशन दे दो, मतलब सर मतलब कंप्यूटर नंबर 1 में ना सेल्स दे सकता है, कंप्यूटर नंबर 18 में ना वो लोग परचेज दे सकते हैं, इसमें ये एम्प्लॉय दे सकता है, आपने ऑथराइजेशन बैठे बैठे कर दी। ठीक है, ऑफिस से आप बाहर जा रहे हो, कंप्यूटर बंद करके जाओगे, ठीक है, एक का काम दूसरा नहीं देख सकता, तो ये जनरल कंट्रोल है। जनरल जो कंप्यूटर का कंट्रोल है, जो यानी एक तरह से हम मैनुअल होता तो भी हम ये कंट्रोल लगा सकते हैं, ठीक है, जनरल, जो जनरल वे में कंट्रोल या फिर रूल्स या फिर रेस्ट्रिक्शन कंपनी लगा सकती है अपने बिजनेस प्रोसेसेस में। ठीक है, एप्लीकेशन कंट्रोल क्या होता है सर? एप्लीकेशन कंट्रोल मतलब जो कंप्यूटर के अंदर जो आप सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ कर रहे हो, जो एक्चुअल में कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग कर रहे हो, काम कर रहे हो, उस पे कंट्रोल कैसा लगाया जाए सर? उस पे जो कंट्रोल लगाए जाते हैं, वैसे तीन है अभी पढ़ेंगे, उस कंट्रोल को लगाने के लिए हम बोलते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल, यानी जो एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर वगैरह आपने यूज करे हैं उस पे कंट्रोल लगाने का बोलते हैं ईडीपी एप्लीकेशन कंट्रोल। पढ़ेंगे अभी ये पूरी तरह, हो सकता है आपको समझ ना आए, टेंशन ना लेना, पहले जनरल ईडीपी कंट्रोल देख लेते हैं कितने सारे हैं, क्या क्या हैं जनरली, जो क्या क्या कंट्रोल्स या फिर रेस्ट्रिक्शंस लगाते हो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। पहले जनरल ईडीपी कंट्रोल, दिस कंट्रोल इंक्लूड्स प्लान फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन ऑफ ईडीपी एक्टिविटीज। जो भी ईडीपी एक्टिविटीज होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, जो भी कंप्यूटराइज्ड काम होता है, मैं बार बार कंप्यूटराइज बोलता हूँ लेकिन आपको क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, जो भी कंप्यूटराइज्ड काम होता है, बुक्स बनती हैं, सिस्टम जो बिठा रखा है आपने, उनकी एक्टिविटी को नॉर्मली मॉनिटर करना, देखना कि सारे काम ढंग से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे जनरल वे में, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन सही से हो रही है, डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल सही से हो रहा है। हार्डवेयर कंट्रोल, हार्डवेयर कंट्रोल क्या होता है सर? अब ये सब कुछ नीचे भी आएंगे, एक एक पॉइंट आएगा इनका। हार्डवेयर कंट्रोल मतलब कंप्यूटर में कोई आके अपने पेनड्राइव लगा के डाटा तो नहीं निकाल रहा, हार्डवेयर है ना कंप्यूटर का, पेनड्राइव लगाना इज हार्डवेयर, पेनड्राइव इज हार्डवेयर, और पेनड्राइव का सॉकेट भी हार्डवेयर ही एक तरह से, सॉफ्टवेयर तो कंप्यूटर के अंदर होता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर तो आप, मैं आशा करता हूँ आप सबको पता होगा। ठीक है, तो हार्डवेयर कंट्रोल करना भी तुम्हारा जनरल ईडीपी कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है,
कैसे हो सकता है एक बार बता दूं? या तो पेन ड्राइव का सॉकेट ही हटा दो तो अपने ऑफिस के कंप्यूटर से, या फिर क्या करो, सॉफ्टवेयर आते हैं जो पेन ड्राइव लगाते ही ना पहले पेन ड्राइव रीड ही नहीं करेगा, सॉफ्टवेयर डाल दो पेन ड्राइव रीड ही नहीं करेगा। ठीक है, अब कितने कंट्रोल हैं देख लो। ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल, पहला कंट्रोल है ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल। इन मैनुअल सिस्टम देयर आर काउंटर चेक्स इन द सेंस दैट वर्क ऑफ द पर्सन इज ऑटोमेटिकली चेक्ड बाय अदर, सच इज नॉट इन द केस ऑफ कंप्यूटराइज एज ऑल द एंट्री एंड जर्नल आर मेड साइमल्टेनियसली, हेंस द ऑर्गेनाइजेशन शुड कंट्रोल सो सो दैट देर इज नो कोल्यूजन बिटवीन द स्मॉल स्मॉल स्टाफ। क्या बोल रहा है? मैनुअल सिस्टम में तो क्या होता है कि एक बंदे का काम दूसरा चेक कर लेता है। अभी भी थोड़ा कॉन्सेप्ट समझो, कुछ लोगों के बारे में हो सकता है डाउट आ रहा है, पहले मैं वो क्लियर कर देता हूँ। मैनुअल सिस्टम जरूरी नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना वो प्रॉपर ईडीपी प्रोसेसिंग करती है, यानी प्रॉपर उनके कंपनी में एक एक चीज कंप्यूटर पे होती है। लेकिन नॉर्मली छोटे ऑफिस में या फिर नॉर्मल ऑफिस में, फैक्ट्रीज में, कंपनीज में काम अभी भी ऐसे होते हैं, होते हैं कंप्यूटर पे ही हैं, बट वो 100% जरूरी नहीं है कि एक एक पॉइंट वो कंप्यूटर में करें। जैसे बताता हूँ, कंप्यूटर में मैं बैठा हूँ, सेल्स पर्सन हूँ, तो मेरा काम है सेल्स का करना, इसका काम है कुछ और करना, बिल इश्यू करना। इसने बिल इश्यू करा, मेरे पास आ गया, मैंने सेल्स की एंट्री डाल दी। तो कहीं ना कहीं अगर रजिस्टर होता तो रजिस्टर में वो क्या करता, मुझे बिल दे देता, मैं सारे बिल खोलता और अपने रजिस्टर में बिल की एंट्री मारता। वही काम तो मैं अभी भी कर रहा हूँ। एक तरह से अभी भी बहुत सारा काम मैनुअल और कंप्यूटर दोनों को मिला के चल रहा है। ठीक है, दोनों बिल्कुल 100% अलग नहीं होता है। नॉर्मल कंपनियों में, बहुत हाई लेवल की कंपनियों, बड़ी बड़ी कंपनियों में एक एक चीज ऑनलाइन होती है। ठीक है, तो हुआ क्या है, ईडीपी एनवायरमेंट में क्या दिक्कत होती है कि एक दूसरे काम करना उतना ईजी नहीं होता। कंप्यूटर में किसी और ने एंट्री कर दी, किसी और ने बिल दे दिया उसको, ये तो ढूंढता रह जाएगा बेचारा। लेकिन अगर ये एंट्री मैनुअल होती तो उसको पता होता कि इसने मुझे चार बिल दिए थे, ठीक है, इसका काम मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसने चार बिल दिए थे तो मेरे पास चार बिल पड़े हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, ऑनलाइन में क्या होता है, वो उसने वहाँ से एंट्री करी, आज चार बिल आए, तुरंत डाल दिया उसने चार बिल, मुझे भेज दिए, ये लो सर एंट्री करो। फिर दो बिल आए, फिर एंट्री कर दी, फिर भेज दिए, फिर तीन के, फिर भेज दिए। अब मेरे पास पड़े हैं आज के डेट में, आज के दिन में 25 बिल, ठीक है, और मैं चला गया, मेरा ऑफिस का टाइम खत्म हो गया, इसने दो बिल और भेज दिए। अब कल आके मैंने वो दो बिल देखे ही नहीं। तो ये चीज़ें होती हैं, ये फर्क हो जाता है मैनुअल में और ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक बिजनेस एनवायरमेंट में। तो इससे क्या होता है, एक बंदे का काम जो पहले यानी मैनुअल सिस्टम में एक बंदे का काम दूसरे बंदे से आराम से चेक हो जाता था, अब इसमें वो पॉसिबल नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन को कुछ कंट्रोल लगाने पड़ते हैं ताकि एक दूसरे का काम चेक हो जाए और एक दूसरे के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। यहाँ पे कोलूजन वर्ड यूज़ किया है, कहीं आप सोचो। कंट्रोल ओवर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट बोला है, जैसे जब कंप्यूटर होता है तो सब अपने अपने सॉफ्टवेयर लगवाते हैं, उसमें बनवाते हैं, या फिर प्री प्लान सॉफ्टवेयर आता है, जैसे टैली का सॉफ्टवेयर होता है वो बना बनाया आता है, उसमें आप कुछ चीज़ें चेंज करवा सकते हो, तो वो आपने अपने पर्सनल नीड के हिसाब से चेंज करवा लिया। ऐसे कुछ लोग सॉफ्टवेयर, नया नया सॉफ्टवेयर खुद के लिए बनवा लेते हैं। तो जब नया सॉफ्टवेयर बनने वाला होता है, यानी नया सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उसके प्रोसीजर वगैरह भी आपको देखने चाहिए कि वो सब कुछ प्रोग्रामिंग ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा। जब नया सॉफ्टवेयर बनता है तो ये खड़ा होकर तो देख लो कि जो बंदा बना रहा है ना उससे पूछते रहो, अच्छा तो मैं अब इसमें ये करूँगा तो क्या ये हो जाएगा, अच्छा मैं इसमें बिल डाल लूँगा तो क्या पिंडल में आ जाएगा, एक बार करके दिखाना। तो जब नया सॉफ्टवेयर बनता है ना तो ऐसे ही बनता है, एकदम से नहीं आ जाता सॉफ्टवेयर। जब आप नया किसी से बनवाते हो तो वो बंदा इंजीनियर बनाता है, फिर आप चेक करते हो, फिर वो उसमें से गलतियाँ ठीक करता है, फिर आप चेक करते हो, फिर वो गलतियाँ ठीक करता है, ऐसा करके सॉफ्टवेयर बनता है। तो इस चीज़ पे भी कंट्रोल रहना चाहिए कि सारी चीज़ें ढंग से डली हुई हैं कि नहीं डली हुई। आपको एंट्री डालनी थी तो आपको बिल की एंट्री मारनी थी, जनरल मारनी थी, वो लेजर में हिट ही नहीं हो रहा, कैसा सॉफ्टवेयर बनाया तुमने। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगला, कंप्यूटर ऑपरेटर्स। अब हर कंप्यूटर चलाने के लिए एक एक बंदा लगेगा, या जितने भी बंदे लगाने होंगे, तो उनके ऑपरेटर्स की अपनी अपनी ऑथराइजेशन होना चाहिए। ये भी तो नॉर्मल कंट्रोल ही तो है, जनरल कंट्रोल ही तो है दोस्त, कि इस कंप्यूटर पे सेल्स का काम होगा,
और ये वाला बंदा करेगा, मिस्टर ए करेगा, उस तो परचेस का काम होगा, मिस्टर बी करेगा, तो ये ऑथराइजेशन बांट दी ना। लेकिन कंप्यूटर पर क्या वो करते हैं लोग, कोई भी आगे कहीं भी बैठ जाता है, ठीक है। तो इसका इसका सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं कि सबकी अपनी अपनी आईडी पासवर्ड दे दो, कोई भी कंप्यूटर बैठे लेकिन अपनी आईडी अपनी पासवर्ड खोला। जब वो अपनी आईडी, जो मिस्टर ए अपनी आईडी पासवर्ड खोलेगा तो उसे सेल्स का डाटा ही दिखेगा, मिस्टर बी किसी भी कंप्यूटर पर अपनी आईडी पासवर्ड खोलेगा तो उसे परचेज का डाटा ही दिखेगा, ठीक है। तो यानी जो भी एक मैनुअल बना के रखो, जो भी प्रोग्राम व इंस्ट्रक्शन डेवलप हो रहे हैं, बहुत जनरल पॉइंट है ये, आप खुद भी ले सकते हो अगर मैं हेडिंग भी बता दूं, लेकिन हम एक बार पढ़ लेंगे, ऑल दो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रोल ओवर स्टेशनरी। देखो ठीक है, कंट्रोल ओवर स्टेशनरी। देखो जब पहले मैनुअल कंट्रोल, मैनुअल प्रोसेस में क्या होता था, मैनुअल जब हाथों से काम होता था हर चीज़ का, तो उस टाइम क्या होता था दोस्त, रजिस्टर होते थे अलग अलग, ये लेजर वो लेजर, सेल्स का लेजर, परचेज का लेजर, डेटर का लेजर, क्रेडिटर का लेजर, एसेट का लेजर, उसके बाद प्रॉफिट अकाउंट, बैलेंस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सबके अलग अलग बुक्स बनते थे। तो उनको वो किताबें होती थी, उनका कंट्रोल अलग वे में होता था, उनके लिए एक प्रॉपर तिजोरी में उनका अकाउंटेंट किताबें रखता था, ताकि कुछ कोई निकाल के चेंज वेंज ना कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे भी उसी तरह स्टेशनरी को मेंटेन करके रखना है, यानी यहाँ पे अगर बिल्स वगैरह हैं तो उसको ध्यान से मेंटेन करके रखना है। बिल्स तो फिजिकली मान लो बन रहे हैं, या फिर फोल्डर के अंदर ही फाइल्स बनी हुई हैं, यानी बिलों की फाइल, बिल भी तो एक स्टेशनरी हुआ, चाहे वो हमारे हाथ में बिल पकड़ा दो, चाहे वो ऑनलाइन या पीडीएफ फॉर्म में हमारे कंप्यूटर में रखे हों। तो इनका ध्यान रखने के लिए रजिस्टर होता तो हम तिजोरी में घुसेड़ देते, चाबी मार देते। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे अगेन ऑथराइजेशन उसको देंगे या नहीं देंगे ये डिसाइड करना पड़ेगा, किस बंदे का बिल का काम है उसी को ऑथराइजेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेशनरी है इस टाइप की, ठीक है, जैसे बिल हो गए, चेक्स हो गया, हाँ देखो चेक्स हो गया, पे ऑर्डर हो गया, एक तरह से चेक ही होता है, ऐसी चीज़ें ढंग से रखी हुई हैं कि नहीं रखी हुई। कंट्रोल ओवर डेटा एंट्री एंड प्रोग्रामिंग, भाई अब डेटा एंट्री जो कर रहा है उस पर कंट्रोल बिठाना भी जरूरी है, ठीक है। ये भी जर्नल ऑडिटिंग, ये ध्यान रख रहा है सब कुछ, हम जर्नल कंट्रोल पढ़ रहे हैं, जो नॉर्मली कंट्रोल रख सकता है कोई भी कंप्यूटर पे काम करने वाले कंपनी या फिर बिजनेस, ठीक है। कंट्रोल ओवर डेटा फाइल्स, जितनी फाइल्स पड़ी हैं एसेट की, रजिस्टर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेजर, उन पे कंट्रोल होना चाहिए, जिसको जो देना है या फिर जो जिसकी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके पास वो कंट्रोल होना चाहिए। हार्डवेयर कंट्रोल, हार्डवेयर कंट्रोल मतलब हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर का मॉनिटर, उसका माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, यही होता है हार्डवेयर। तो इस पर भी कंट्रोल होना चाहिए, ये नहीं कि कोई भी बंदा कुछ भी उठा के ले, कहे क्या पता कि आपका सीपीयू गायब करके ले जा रहे हो। आप सोचते हो सर क्या बता रहे हो, हाँ हार्डवेयर कंट्रोल का मतलब यही है कि ये ना हो कि माउस गायब हो रहा है, सीपीयू गायब हो रहा है, ये सब गायब हो रहा है। मान लो सीपीयू गायब हो गया तो आपका डेटा ही चला गया, पेन ड्राइव लगा दी किसी ने, या फिर पेन ड्राइव निकाल ली, हार्ड डिस्क निकाल ली, तो हार्ड डिस्क को भी कंट्रोल करके रखना है, उसकी भी सेफ्टी रखनी है। तो ये होगा सारे जर्नल कंट्रोल हो गए, कोई स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं है। अब आता है ईडीपी एप्लीकेशन कंट्रोल। अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं, ये जो हम कंट्रोल पढ़ रहे हैं, ये इतने सारे जो हमने पढ़े अभी, ये वाले, ये पहले होता था। सर क्या बोल रहे हो आप, पहले ये इतने सारे पॉइंट होते थे, अब ऐसे पॉइंट नहीं होते। अब सिर्फ क्या होता है ना, एक्चुअल में आपको कुछ बुक में दिख भी जाएगा, कुछ बुक में सिर्फ जनरल ईडीपी कंट्रोल को समझा रखा है, और इसके नीचे दो दो चार सिर्फ पॉइंट लिखे हुए हैं। सर दो चार पॉइंट क्या लिखे हुए हैं, जस्ट ये लिखा हुआ है कि सिर्फ जनरल ईडीपी कंट्रोल को समझा दिया, और ये लगा, ये लिख दिया नीचे कि इसके फीचर्स क्या हैं, फीचर्स या फिर बेनिफिट लिख दिए बस। एक एक कंट्रोल नहीं पढ़ाया, ये जो थे एक एक कंट्रोल, ये पहले के टाइम पे आते थे, जो कि आपके कोर्स में हैं, मतलब बुक में नहीं है लेकिन इसी पे क्वेश्चन आपका बनेगा, तो आपको यही लिखना है। आपको जो चीज़ चेंज हो गई है आज के टाइम के हिसाब से वो नहीं लिखनी, ठीक है। ये पुराने कॉन्सेप्ट हैं जो आपके बुक में चल रहे हैं, सीए वाले बच्चे खासा ध्यान दे, आपको ये वाली चीज़ें नहीं लिखनी। आपके बुक में सिर्फ इनकी डेफिनेशन होगी, मीनिंग होगा, और नीचे इनके फीचर्स वगैरह दे रखे होंगे, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट ऐसे आ चुका है बुकों में,
बट ड्यू के हिसाब से आपको ऐसे ही पढ़ना है दोस्त। सिमिलरली ईडीपी एप्लीकेशन कंट्रोल, ईडीपी एप्लीकेशन क्या बोल रहा है, इन एडिशन टू जर्नल ईडीपी कंट्रोल देयर शुड बी एप्रोप्रिएट कंट्रोल ओवर ईच ईडीपी एप्लीकेशन। जो भी आप एप्लीकेशन यूज करो उस पे कंट्रोल होना चाहिए। जैसे टैली यूज कर रहे हो, सैप यूज कर रहे हो, बिलिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, जैसे जोहो जोहो आता है, जोहो इनवॉइस का एक सॉफ्टवेयर आता है, ऐसे अलग अलग एप्लीकेशन। आपके फ़ोन में गेम्स भी तो होते हैं ना दोस्त, गेम्स खेलते हो ना, तो उस गेम्स की एप्लीकेशन पर कंट्रोल कैसे लगाओगे? आपकी मम्मी देख लेंगी, तो क्या करते हो आप, उसे पासवर्ड लगा देते हो या फिर उसे हाइड कर देते हो। आपने कंट्रोल लगा दिया ना उस एप्लीकेशन पे। फोन पे कंट्रोल लगाना एक तरह से वो जनरल आईटी कंट्रोल में आ जाएगा। और मोबाइल के एप्लीकेशन के अंदर व्हाट्सएप पे कंट्रोल लगा देते हो कि आपके चैट कोई ना पढ़ ले, आपका फ्रेंड घर वाले ना पढ़ ले, करते हो ना ऐसा, बहुत से बच्चे करते होंगे। तो जो एप्लीकेशन है फोन की या फिर कंप्यूटर की जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पे कंट्रोल को बोलते हैं ईडीपी एप्लीकेशन कंट्रोल। ठीक है, तो उसमें क्या क्या हो सकता है, देखो ये बहुत ब्रॉड वे में समझा रखा है, तीन तरीके कंट्रोल हो सकते हैं। कंट्रोल ओवर इनपुट, इनपुट पे कंट्रोल कर लो, प्रोसेसिंग पे कंट्रोल कर लो, और आउटपुट पे कंट्रोल कर लो। क्या मतलब सर इसका बना, देखो एप्लीकेशन है, मान लो इनवॉइस की एप्लीकेशन है, मैं अभी जेन्युइन एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं छोटा वैसे छोटा एग्जांपल नहीं ले रहा। इनवॉइस बनाने की ना एक एप्लीकेशन आती है, एक साइट भी है, इनवॉइस ऐप लिख देता हूँ ना सीधा। अब बच्चे शॉर्ट फॉर्म में समझते भी ज़्यादा हो आजकल चीज़ें। मान लो एक इनवॉइस की ऐप है, उस ऐप का नाम है जोहो। सच में ऐसी एप्लीकेशन इंटरनेट पर सर्च करोगे तो मिल जाएगी। अब हम सॉफ्टवेयर पे कैसे कंट्रोल रख सकते हैं, ठीक, गेम पे कैसे कंट्रोल रख सकते हैं आप बताओ। तीन तरीके से कंट्रोल होते हैं। जो मान लो इसमें हमें इनवॉइस बनाने ना, इनवॉइस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस एप्लीकेशन खोल के इसमें डाटा डालना पड़ेगा, यानी पार्टी का नाम डालना पड़ेगा। अगर बिल बनाना है हमें तो पार्टी का नाम बताना पड़ेगा, सेल्स अमाउंट बताना पड़ेगा, रेट जीएसटी का कितना लग रहा है ये बताना पड़ेगा, पार्टी के नाम के उसका जीएसटी नंबर है कि नहीं है, डेट बतानी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, ये होगी इनपुट। ठीक है, इनपुट गया, इसमें क्या हुआ, प्रोसेस। आपने इनपुट भेजा, इसमें हो गया प्रोसेस, इसने सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली और क्या करा, एक इनवॉइस बना के भेज दिया, यानी क्या भेज दिया, आउटपुट। क्या करके भेज दिया, ये इनवॉइस बना के भेज दिया। ठीक है, ये बढ़िया सा इनवॉइस बना के भेज दिया। एक एप्लीकेशन में यही काम होता है, कोई भी एप्लीकेशन हो यही काम होता है, आप उसमें कुछ इनपुट डालते हो, वो प्रोसेस करके आपको आउटपुट दे देता है। ठीक है, बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूँ, आपको याद रहेगा, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, सिंपल। इनपुट में आपको अब इसमें कंट्रोल क्या रखना है कि इनपुट आप सही से डालो। ये बहुत लंबा कॉन्सेप्ट चला जाएगा लेकिन सुनो ध्यान से। आपने क्या डाला, आपने डाली इनपुट, क्या डाला, बिल बनाने के लिए डेट डाली, पार्टी का नाम डाला, उसका जीएसटी नंबर डाला, अमाउंट डाला, और भी एक दो चीजें होंगी। अभी मान के चलो ये आपके इनपुट हुए, तो ये अगर ठीक डालोगे तो प्रोसेसिंग भी ठीक होगी, फिर आउटपुट भी ठीक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इस पे कंट्रोल लगाना है कि ये इन्फॉर्मेशन सही डलें एप्लीकेशन में, यानी सॉफ्टवेयर में। तो इसके लिए क्या हो सकता है, मैं आपको एकदम डीप में समझा देता हूँ, ये चीज़ कभी नहीं भूलोगे। जैसे डेट का कॉलम, इस एप्लीकेशन में डेटा कॉलम होगा, और उस कॉलम में मान लो आप, मान लो डेटा कोई कॉलम है, ये डेटा का कॉलम है, मान लो डेटा कॉलम है, कैसे होगा कॉलम, आपने देखा डेटा कॉलम ऐसे बना होता है, यहाँ पे दो नंबर आ गए और यहाँ पे ऐसे आ गया, यहाँ पे दो नंबर होते हैं, यहाँ पे चार नंबर होते हैं, यानी
मान लो आज कोई तारीख है, मान लो आज आपके एग्जाम के दिन है, डरो मत अभी नहीं है, 30 मई 2024, ठीक है? आप क्या यहाँ पे ए बी सी डी डाल सकते हो क्या? आप ए डालोगे तो नहीं लेगा ना वो। डेट के कॉलम में आप बहुत जगह फॉर्म वॉर्म भरते हो, गूगल पे अपना अकाउंट बनाते हो, ईमेल आईडी बनाते हो, तो कुछ फॉर्म सा भरते हो, तो वहाँ पे आपका जो कॉलम है ऑनलाइन, उस कॉलम में उसी टाइप की चीज़ें तो लेता है। तो एक तरह से इनपुट पे कंट्रोल डाल दिया कि डेट वाले कॉलम में वो डेट लेगा, ठीक है? तो ऐसे ही इनपुट पे कंट्रोल आ गया। और सिमिलरली प्रोसेसिंग, आप ये देखोगे कि इसने सही से प्रोसेस किया है कि नहीं किया, कहीं एरर तो नहीं थ्रो कर रहा। हमने डेट सही डाली थी, डिजिट में ही डाली थी, इसने क्या करा, एरर थ्रो कर दिया कि आप अल्फा नंबर डाल रहे हो, यानी ए बी सी डी डाल रहे हो, जबकि आपने ए बी सी डी सही नहीं डाला था। तो यानी प्रोसेसिंग में कोई दिक्कत है, तो आपकी प्रोसेसिंग भी पे भी कंट्रोल लगाना पड़ेगा, ये ना हो कि प्रोसेसिंग कुछ भी कर दे वो, गलत कर दे। उसके बाद आउटपुट, फाइनल आप आउटपुट देखोगे कि सही से बिल बना है कि नहीं बना, यही पढ़ोगे आप सिंपल इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट में। देखो कंट्रोल ओवर इनपुट कैसे रहेगा, दीज कंट्रोल आर वेरी इंपॉर्टेंट एज द फाइनल आउटपुट डिपेंड्स अपॉन इनपुट। इट इज इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट दैट देयर आर एडिक्वेट कंट्रोल टू इंश्योर द ऑथराइज एक्यूरेट कंप्लीटनेस। अब बताओ इसका सही से ऑथराइज बंदा होगा और डाटा एक्यूरेट होगा, तभी तो डाटा सही से डलेगा, तभी तो इनपुट सही डलेगा। ये चीज़ यहाँ बोलिए, देखो कहाँ गया, ये रहा, सॉरी। ऑथराइज बंदा होना चाहिए, बिल डालने वाले को अपना काम होता है, और डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन वो देगा, यानी सारा डेटा सही से देगा, तो इनपुट सही जाएगा और प्रोसेसिंग सही होगी, आउटपुट सही आएगा। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग कंट्रोल नीडेड टू बी इंश्योर दैट द ट्रांजेक्शन आर प्रॉपरली प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर, दे आर नेसेसरी टू इंश्योर दैट द रिलायबिलिटी ऑफ एक्यूरेसी ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। ये डिपेंड करता है इसमें, मतलब इसमें ये डिपेंड करता है एक तरह से इनपुट पे, इनपुट सही से डालोगे तो प्रोसेसिंग भी ढंग से होगी, लेकिन हो सकता है प्रोसेसिंग में भी कोई एरर हो। जैसे मैंने बताया था ना, हमने डेट में वहाँ पे 2024 डालना था, हमने अगर वहाँ पे मान लो ए बी सी डी भी डाल दिया होता, अगर वो ले लेता तो यानी वो प्रोसेस गलत कर रहा है, ठीक है? तो वो नहीं होना चाहिए, इस पर भी आपका कंट्रोल होना चाहिए। आउटपुट कंट्रोल, इफ प्रॉपर कंट्रोल इज मेंटेन ओवर इनपुट एंड प्रोसेसिंग, सीधी सी बात बोल रहा है, अगर इस पर कंट्रोल बढ़िया है, इस पर कंट्रोल बढ़िया है, यानी इनपुट आपने सही से डाला है और प्रोसेसिंग सही से हो रही है, तो आउटपुट ऑब्वियसली सही से होगा, बट इस पर भी कंट्रोल नेसेसरी है। द फाइनल आउटपुट इज लाइकली टू बी एक्यूरेट, फाइनल आउटपुट एक्यूरेट होना चाहिए, हाउ एवर इट मस्ट बी वेरीफाइड द आउटपुट रिलेट टू प्रिसाइसली टू द ओरिजिनल इनपुट। आपने इनपुट डाला ये सब का, आउटपुट उसने दे दिया मान लो परचेज बिल का, हमने इनपुट डाला सेल्स का, मान लीजिए हमने इनपुट डाला सेल्स का, आपने आउटपुट आ गया परचेज का, भाई उसने तो परचेज का बिल बना दिया, डिटेल सारी सही डाली है, लेकिन प्रोसेसिंग होके आउटपुट उसने किसका डाल दिया, परचेज का दिखा दिया। तो प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट भी क्या होना चाहिए, जो इनपुट है उसी के बेस पे आउटपुट होना चाहिए, ये लाइन पे ये बोल रहा है। सेकंड, द टेस्ट रीजनेबलनेस मस्ट अप्लाइड टू द फाइनल आउटपुट। जो भी देखो चेक करने के लिए आप क्या क्या करोगे ना, कुछ टेस्ट भी करोगे। अब यहाँ पे आपके कोर्स में है नहीं, वो कार्ट नहीं है, कंप्यूटर एडिट ऑडिट टेक्निक होता है एक, वो आपकी आपके कोर्स में नहीं है, मतलब अगर मैं ज़्यादा डीप जाऊँगा तो मुझे वो भी पढ़ाना पड़ेगा। तो कुछ टेस्ट टेक्निक होती हैं सब देखने की कि सबको सही हो रहा है नहीं हो रहा। जैसे जैसे समझाई देता हूँ, टेस्ट कुछ आप टेस्ट करके देख सकते हो कि सही से चीज़ चल रही है कि नहीं चल रही। जैसे कुछ बच्चों को रिलेट कर पाएंगे, आप बचपन में गेम खेलने जाते थे, 1 रुपए का सिक्का डाल के खेलते थे ना, मारियो और क्या होता था वो टेकन 3 वगैरह, जिन बच्चों को याद है बता रहा हूँ, पुराने बच्चों को। आज के टाइम पर मान लो कंप्यूटर में गेम खेलते हो, ठीक है, आपने अपने घर पे जो कंप्यूटर में गेम खेली है, मान लो आप दूसरे घर पे गए खेलने, आपने उसी कंप्यूटर गेम का अपर वर्जन खेल रहे हो, हो सकता है यहाँ पे जो फंक्शन स्पेस से चल रहा है वहाँ पे वो फंक्शन एंटर मार के चले या फिर शिफ्ट मार के चले,
दूसरी की से कर चले, तो एक बार आप चला के देखोगे ना, टेस्ट करोगे ना एक बार, जब चला के देखते हो तो आपको पता चलता, अच्छा मेरे कंप्यूटर में जब ये खेलता था तो आगे भगाने के लिए फॉरवर्ड बटन दबाना पड़ता था, लेकिन इसका कंप्यूटर में खेला तो सिर्फ स्पेस दबा दूंगा तो आगे भागेगा प्लेयर। एक जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल दिया, यानी होता क्या है, टेस्ट पूरे सिस्टम को टेस्ट करने के लिए हम एक इनपुट डालते हैं खुद ही। ऑडिटर क्या करता है, क्लाइंट के कंप्यूटर में उसका सिस्टम सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा, खुद ना कुछ चीज़ें डाल के, इनपुट डाल के, एंट्रियाँ डाल के चेक करता है कि हाँ भाई कंप्यूटर सही से एंट्री कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है दोस्त, लास्ट, द यूज़र ऑफ आउटपुट डेटा आर एबल टू फाइंड आउट द एक्यूरेसी अदरवाइज द फाइनल फिगर्स सेंड टू हिम। जो भी लास्ट डेटा का यूज़र होगा, जो भी बंदा फाइनल आउटपुट बनेगा, उसको जो बंदा यूज़ करेगा उसको पता होना चाहिए कि हाँ भाई इसका यही डेटा था और यही इसका आउटपुट आया है। मुझे पता हो सकता है थोड़े बच्चों को कन्फ्यूजिंग लगे, लेकिन अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट याद रह जाएगा ना, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट, आज आपका ऑडिट होता है दोस्त ख़त्म। ऑडिट तो ख़त्म हो ही चुका था, बट आज ये थोड़ा सा एक मिसलेनियस टॉपिक था जो हमने कवर कर लिया है, ये भी हमारा ख़त्म हो गया आज। तो आपका फर्स्ट यूनिट प्रॉपर ख़त्म हो चुकी है, प्लस हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत टाइम लग गया, 10-12 क्लासेस लग गई, ऐसे कैसे सर, एक यूनिट में अगर 10-12 क्लासेस लग गई ऐसा तो हमारी क्लासेस 50-60-70 चली जाएंगी। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक ना इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट कम होंगे, वो लेंदी होंगे बस। जैसे जब हम स्कैम्स पढ़ेंगे ना, किंगफिशर का स्कैम, सत्यम का स्कैम, स्कैम आपकी बुक में लिखा बहुत कुछ होगा कि कब हुआ, कैसे हुआ, इस आदमी ने क्या किया, कैसे कैसे हुआ, फिर किसने किसने चेक किया, फिर किस किस लॉ में गया चेक हुआ, फिर कोर्ट ने क्या डिसीजन दिए, फिर वो डिसीजन अपनाए गए कि नहीं अपनाए गए, और कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व थी, वो पूरी कहानी होगी बड़ी बड़ी, समझेंगे हम इतने से में ही। तो आगे आने वाली क्लासेस में आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे एक चीज़ और बताता हूँ, ये मैंने इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जो आपकी यूट्यूब पे आ जाएगी, हमारा ये चीज़ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुका है, प्लस सेवन सेवन भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यानी 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा अगला पॉइंट होगा ई कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं है, आपकी बुक में ढंग से लिखा नहीं हुआ, डीयू की बुक में, ये ई कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। अब देखो, गवर्नमेंट फेलियर, वो सारे स्कैम्स हैं यहाँ पे, सत्यम वत्यम के सबके स्कैम्स हैं यहाँ पढ़ेंगे हम। इन्होंने एक ही चैप्टर को 3 भागों में डिवाइड कर दिया, ऐसा नहीं है कि हम इसको एक ही दिन में कर लेंगे, नहीं भाई, एक एक स्कैम को समझाने में टाइम लगेगा आपको। हम पूरा ब्रीफ में समझेंगे, फिर उसको शॉर्ट में भी समझ लेंगे ताकि ताकि पेपर में याद रहे। तो है ये 3 चैप्टर, लेकिन मतलब एक ही चैप्टर को तोड़कर उन्होंने 3 बना दिया। सिमिलरली यहाँ देखो, इसने एक चैप्टर को 2 में डिवाइड कर दिया। सिमिलरली यहाँ देखो, बिजनेस एथिक्स 2 में, CSR 2 में। तो आगे ना इतना टाइम नहीं लगेगा जितना हमें अभी तक टाइम लगा। प्लस अभी तक एक चीज़ और थी कि सब कुछ दे नहीं रखा था आपके बुक में, कुछ है बाहर के बुक में, कुछ है DO की बुक में, कुछ है 10 ईयर में, कुछ इनमें भी नहीं है, तो मुझे CA की बुक से उठाना पड़ गया। कुछ बुक में दे ही नहीं रखा, कोर्स में नहीं दे रखा, तो मुझे बड़ा ढूंढ ढाड़ के कहीं ना कहीं से अरेंज करना पड़ा। क्यों? क्योंकि पेपर में आता है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी ऑडिट के पार्ट में। ये दिक्कतें आगे उतनी नहीं आएंगी, आएंगी आगे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जैसे स्टैंडर्ड्स वगैरह में, स्कैम्स में भी ना, कहीं मैं कुछ ज़्यादा कहानी सुना रखी है, आगे भी दिक्कतें आएंगी, लेकिन इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी जितनी यहाँ पे आई थी। ठीक है, तो गुड लक दोस्तों। अब ऑडिट जल्दी से, अगर जिसने ऑडिट की रिवीजन नहीं करी क्लास देखने के बाद, एक काम करना आप, सारी चीज़ें एक बार आपके पास सारी PDF होंगे ना, सारी PDF जल्दी जल्दी पढ़ लेना, पूरा ऑडिट एक बार में ख़त्म कर देना। ठीक है, एक और बात करनी थी आपसे, देखो
ये मैं लास्ट में सुनाता हूँ। आप बच्चों के लिए ना कुछ अपडेट्स हैं जो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को बता सकते हो। देखो अभी हमारे हमारे पास काफ़ी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही हैं, ये चीज़ मैं डिस्कस कर चुका हूँ एक सेपरेट वीडियो में, बट आप तो क्लास के बच्चे हो तो आपको अलग से डिस्कस करना ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हमने क्या किया, कुछ बच्चों की क्वेरी आ रही हैं, रिक्वेस्ट आ रही हैं कि सर जीएसटी के साथ साथ ऑडिट की क्लास भी चाहिए या फिर ऑडिट के साथ साथ जीएसटी क्लास भी चाहिए, तो क्या हमें उसका कुछ बेनिफिट मिल सकता है। तो अभी इसी चीज़ को सिर्फ ऑडिट और जीएसटी के लिए हम कॉम्बो लाए हैं इसका। अगर आप किसी फ्रेंड्स को चाहिए या फिर आपको ही चाहिए तो आपके लिए भी ये चीज़ एप्लीकेबल होगी। पहले ये दोनों अगर अलग अलग आप लेते तो आपको लगभग ये कुछ पड़ता 1300 या फिर 1400 के अराउंड, इन दोनों क्लासेस की कॉस्ट पड़ती है आपको। ऑडिट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस लिख सकते हो आप, लेकिन हम इसको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट कर रहे हैं आपके लिए, जस्ट बिकॉज कि बच्चा क्या है ना, आप मांग रहे हो इस चीज़ को कि सर 2 महीने रह गए हैं, हमें दोनों चीज़ कंप्लीट करनी है, हम दोनों चीज़ों को सेल्फ करने में हमें दिक्कत आ रही है, हम जल्दी जल्दी से इसको क्लास लेके कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसका हमने कॉम्बिनेशन निकाला है मात्र 900, यानी 900। ठीक है, तो आपको अगर रिक्वायरमेंट हो, जिन्होंने ये क्लास ले रखी है वो ये ले सकता है, जिन्होंने ये ले रखी है वो ये भी ले सकता है। अब एक बच्चे का डाउट आएगा, कुछ बच्चों का, कि सर हमने तो ये वाली ले ली है जीएसटी की ले ली है क्लास, तो हम हमारा तो घाटा हो गया, अब हमें तो ये महंगी मिलेगी अगर अलग से लेंगे, अगर हम एक साथ लेते तो हमें फ़ायदा होता। तो सुनो सुनो, शांति रखो। इनमें से मान लो आपने कोई भी एक क्लास ली है, ठीक है, आप एक क्लास पढ़ रहे हो और आप दूसरा लेना चाहते हो, तो जो भी पेंडिंग अमाउंट होगा यानी जो भी पेंडिंग अमाउंट होगा, जो भी पेड अमाउंट होगा आपका, चाहे वो किसके लिए हो, ऑडिट के लिए हो या फिर हो आपका जीएसटी के लिए, वो माइनस हो जाएगा। तो आपको बैलेंस बैलेंस पे आउट करके दूसरी क्लास भी आपको मिल जाएगी। ये एग्जिस्टिंग बच्चों के लिए बेनिफिट है जो आप लोग देख रहे हो, इसलिए मुझे पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो प्लीज़ रेफ़र कीजिए अपने दोस्तों को जिनको ज़रूरत है, जिनको लग रहा है कि उनके नंबर उतने अच्छे नहीं आ पाएंगे या फिर वो स्टडी उतने अच्छे से नहीं कर रहे हैं या फिर नहीं, वो इतने ध्यान नहीं देते पढ़ाई पे, तो उनको आप ये चीज़ रिकमेंड कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट ऑफर वी हैव राइट नाउ दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ जीएसटी एंड ऑडिट ऑफ ऑडिट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस मात्र इन दिस अमाउंट। ठीक है, तो ठीक है दोस्त, ख़त्म करते हैं इसको यहीं पे। नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे ई गवर्नेंस से स्टार्ट। चलिए, थैंक यू, बाय। और प्लीज़ पढ़ के ज़रूर आना, पढ़ लेना सारी चीज़ें, कोशिश करना कि ऑडिट का सारा एक बार पढ़ लो अभी तक का सारा कंटेंट, फिर इसके बाद आगे क्लास स्टार्ट करो। ठीक है, चलिए, बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।